स्टैंड अप वेव सब्जेक्ट एवियस है, चैप्टर 3 है ट्रेडिशनल गेम्स। ये आपका रिविजन चैप्टर है जो मैं करवाऊंगी, आपको करना है गेम्स विच वेयर प्ले इन आवर कंट्री इन ऑल योर टाइम्स एंड वी स्टिल एग्जिट आर कोर ट्रेडिशनल गेम्स। मैनी गेम्स ओरिजिनेटेड इन आवर कंट्री इन आवर रियर टाइम्स बट विद द पैसेज ऑफ टाइम Some of them either lost or have undergone changes and have taken a new form. However, a few traditional games have survived and are still playing in different parts of the world. In India, traditional games like Kho-Kho, Kabaddi, Boat Racing and Bull Racing are very popular. These sab games are popular. Kho-Kho. Kho-Kho is one of the most popular traditional games in our country. इट इज़ प्ले बाय टीम्स ऑफ 12 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स? 12 प्लेयर्स हु ट्राई टू अवॉइड बींग टच बाय मेम्बर्स ऑफ द अपोजिंग टीम। इन खोखो वन टीम सिट्स इन रो इन द मिडल ऑफ द कोर्ट विथ ऑल्टरनेट मेम्बर्स इन द रो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। The other team stands in two or three members at a time into the court. The motive for the sitting team is to chase and touch the opponents while following certain restrictions are per rules of the game. The objective is to touch all the opponents in the shortest time possible. The winner is one who have taken less time to touch and make the opponents out. भी कबड्डी है। कबड्डी क्या है? कबड्डी इज़ वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर गेम। दिस इज प्लेड बिटवीन टू टीम ऑफ 7 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स टेक टर्न्स टू रेट द अपोजिट टीम हाफ चैंटिंग कबड्डी कबड्डी इज वन ब्रीथ, मीन्स वन ही ब्रीथ में कबड्डी कबड्डी ऐसे बोलना होता है हमको। द नंबर ऑफ ओपोनेंट्स आर रेड आर टचेस ड्यूरिंग द रेड आर डिक्लेयर्ड आउट आर सेंट ऑफ द फील्ड बट इफ द रेडर इज कैप्चर्ड बाई द डिफेंडर्स और इज ब्रीथ रन्स आउट बिफोर ही रन्स टू इज हाफ ही इज कंसिडर आउट। एट द एंड ऑफ द गेम द टीम विद द हायर पॉइंट्स ऑफ स्कोर विन्स। जो उसके हायर ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो टीम विन होती है। रेसलिंग रेसलिंग और कुश्ती हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ अवर कंट्री। रेसलर्स आर नोन एज पहलवान्स और मल। रेसलिंग टू रेसलर्स फेस ईच अदर एंड अटेम्प्ट टू थ्रो द अपोनेंट्स ऑन द ग्राउंड। मीन्स जो रेसलर होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड ग्राउंड पर भी थ्रो करते हैं, गिराते हैं। मलकाम इज काइंड ऑफ इंडियन जिमनास्टिक यूजली परफॉर्म ऑन अ पोल। द परफॉर्मर परफॉर्म्स वेरियस कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज विच रिक्वायर हिम टू टर्न टू स्ट्रेच एंड बैलेंस हिज बॉडी ऑन द पोल। द ग्रास एग्जिलिटी डेक्सटरिटी एंड सुपलनेस ऑफ बॉडी कंबाइंड विथ क्विक रिफ्लेक्सेस मसल कोऑर्डिनेशन एंड सेंस of timing of the performers makes this game worth watching. Indian aerobatics. Nut is a traditional Indian sport of aerobatics. It is usually seen being performed on the streets by a group of people normally belonging to a poor nut family. जो nut होते हैं poor families होते हैं, गरीब families होते हैं। as a part of their livelihood, the art is practiced by these families over several generations. Some of the common acts include balancing a child on a huge pole, wherein the child reaches the top of the pole, which is balanced by the male member, either on his stomach, chest, or head. Another family act is tightrope walking, wherein a young female walks barefoot on a stretch of thin rope fastened at the two ends by cross posts
नॉर्मली बैलेंसिंग बाम्बू पोल ऑन हर हैंड्स, मीन्स जो बाम्बू होता है उनके हाथ में होता है और वो बैलेंस करते हैं हैंड्स में बाम्बू को लेके, जो रस्सी होती है उसको लेके उस पर बैलेंस करते हैं। मार्शल आर्ट्स, द टर्म मार्शल आर्ट्स मीन्स आर्ट्स कंसर्न्ड विद गॉड। द प्रैक्टिस ऑफ मार्शल आर्ट्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग वंस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। द मार्शल आर्ट्स आर फाइटिंग स्किल्स डेवलप ओवर द कंट्रीज नहीं सॉरी ऑफ सेंचुरीज। मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड विद रिलीजन और सेल्फ डिफेंस। मैनी आर प्रैक्टिस एज अ वे ऑफ लाइफ टू डेवलप अ डिसिप्लिन माइंड एज वेल एज अ हेल्दी बॉडी। मार्शल आर्ट्स हैव डेवलप चीफली एज स्पोर्ट्स। ऑल गुरुज एंड शिष्यास ऑफ मार्शल आर्ट्स हैव टू मेक प्रॉमिस नॉट टू यूज देयर फाइटिंग स्किल्स टू अटैक इनोसेंट पीपल। जूडो कराटे जुजुत्सू जुत्सु एंड कंग फू आर सम ऑफ द फेमस इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स। सम ऑफ द पॉपुलर मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर कलारिया पैथू। कलारिया पैथू इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला एंड इज प्रैक्टिस बाय बोथ मैन एंड वुमेन इन इंक्लोज डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड मॉक ड्यूल्स both with and without arms. Today Kalaripayattu is a method of physical fitness and an empty-handed means of self. ये चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करवाऊँगी। आपको जितना करवाया उसको रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।